नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। शनिवार का दिन कर्मफल दाता और हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन शनि देव की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातकों को अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार ही फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि यदि शनि देव किसी महल पर मेहरबान हो जाए तो उसे राजा बनाने में देर नहीं लगते। वहीं शनि की कुदृष्टि व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। वैदिक ज्योतिष में शनिवार के दिन कुछ खास उपायों के बारे में बताया गया है, जिन्हें करने से व्यक्ति के कष्टों में छुटकारा मिलता है। शनिवार को पीपल के 11 पत्ते ले, उनकी एक माला बनाकर शनि देव को अर्पित करें। माला अर्पित करते समय ओम श्री ह्रीं श शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। इन उपाय से जीवन में तरक्की मिलती है। पारिवारिक जीवन की सुखमय बनाने के लिए शनिवार के दिन काला तिल पीपल के वृक्ष पर अर्पित करें। इसके बाद पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं। प्रत्येक शनिवार को ओम शह शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही कोयला बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे हर काम में सफलता मिलेगी और आय में बढ़ोतरी होगी। शनिवार को जल और चीनी मिलाकर पीपल में अर्पित कर दें। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। शनिवार के दिन शनिदेव को काला उड़द अर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती है। अगर कुंडली में शनि दोष है तो यह समाप्त हो जाता है। अगर शनि के प्रकोप के कारण जीवन परेशानी से घिरा हुआ है तो शनिवार के दिन शनि यंत्र की स्थापना कर उनकी पूजा करनी चाहिए। शनि यंत्र के सामने सरसों का तेल, दीपक जलाकर और नीले पुष्प चढ़ाने से भी शनि देव की कृपा बनी रहती है। आप इन उपायों को करके शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं।